एडिटर्स हैं जिनमें से चार मेन चैनल के वीडियो एडिटर्स हो गए, दो ब्लॉग चैनल के एडिटर्स हो गए और दो लोग सबटाइटल्स लिखने के लिए। तो ये पूरी अब ना आपको एडिटर की जरूरत है और ना पीसी और लैपटॉप की, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप लोग एक फोन से धुर्राटी जैसा वीडियो बना सकते हो। धुर्राटी की वीडियो में मेनली 8 चीजें होती है जो कि इसकी वीडियो को नेक्स्ट लेवल बना देती है। तो गाइस आज की वीडियो में वही 8 टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ ताकि आप भी धुर्राटी जैसा वीडियो बना सकते हो। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए मैंने गिव अवे अनाउंस किया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको फोन की स्क्रीन पे ले चलते हैं। काइनमास्ट में आपको व्हाइट कैनवस को चूज कर लेना है। यहाँ पर व्हाइट कैनवस को हम लोग चूज कर लिया एंड इसको हल्का बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको बढ़ाने के बाद आपको अपने कैरेक्टर को ले लेना है, जो कैरेक्टर आपने यहाँ पर डाला होगा, ठीक है, कैरेक्टर को ले लेना है। एंड यहाँ पर आपको इसको मैजिक रिमूवर कर सकते हैं एंड आपको क्रोमा की भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको क्रोमा की कर लेते हैं। यहाँ पर क्रोमा की करेंगे एंड यहाँ पर इसको एनेबल कर देंगे। एनेबल करेंगे इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए इसे एडजस्ट कर लेते हैं। क्या करना है, इसको डुप्लीकेट कर देना, ठीक है। इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसका डुप्लीकेट होगा उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर इसको करेंगे एंड इसको क्या करेंगे, इसका हम कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसको नॉर्मल से नीचे आएंगे एंड यहाँ पर आपको दिखता होगा फिल्टर का ऑप्शन, ठीक है। तो फिल्टर पे चले जाना एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे नीचे ऑप्शन है बेसिक पे आना एंड यहाँ पर आपको इसको B30 कर देना, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से B30 कर दीजिएगा एंड आपको यहाँ पर एडजस्ट पे चले जाना है। एडजस्ट पे जाने के बाद आपको इसको क्या करना है, ब्राइटनेस को पूरा कम कर देना एंड यहाँ पर आपको दिखता होगा गेन को भी इसको पूरा इस प्रकार से कम कर दीजिएगा, ठीक है। ये कम हो चुका है एंड यहाँ पर इसको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर दीजिएगा। ये हमारा इस प्रकार से एडजस्ट हो चुका, ठीक है। ये हमारा इतना एडजस्ट कर लिया एंड आपको यहाँ पर करना क्या, आपको नॉर्मल से यहाँ पर लेयर पे क्लिक जाना है एंड इफेक्ट पे चले जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद आपको नॉर्मल सा बेसिक इफेक्ट पे जाना है एंड इसको लो लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको इसको पूरे स्क्रीन में इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है ना एंड इसको क्या करना है, इसको सेंड बैकवर्ड कर देना है। यहाँ पर सेंड बैकवर्ड इस प्रकार से कर देंगे ताकि हमारा बस नॉर्मल सा हमारे ब्लर में ही ये इफेक्ट पड़े, ठीक है। ये हो गया एंड इसको क्या करना है, आपको इसको ओपेसिटी को ये कम भी कर सकते हैं एंड इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या सेटिंग में आने के इसको हल्का सा बढ़ा देंगे ताकि हमारा ये हल्का सा ब्राइटनेस वाला लगे, ठीक है। इसको हम 5 कर देंगे नॉर्मल सा एंड आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से कर देना है एंड इसको अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से एडजस्ट करके नॉर्मल सा जो आपका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को यहाँ पर जो कैरेक्टर है उसको ओपेसिटी को पूरा कम कर देना, जो आपका कैरेक्टर अभी दिख रहा है, ठीक है। इस कैरेक्टर को इस प्रकार से हम लोग ओपेसिटी पूरा कम कर लिया एंड इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया अभी मैं बताता हूँ। अब आपको नॉर्मल सा वही पेज पे आ जाना है एंड यहाँ पर जो आपका इफेक्ट है इसको डिलीट कर देना, ठीक है। इफेक्ट को डिलीट कर दिया एंड यहाँ पर जो आपने ब्लर बनाया था उसको भी इस प्रकार से हम लोग डिलीट कर देंगे एंड जो कैरेक्टर था उसका ओपेसिटी को जो हमने कम किया था इसको हम लोग 100% कर देंगे, ठीक है। ये 100% हो गया एंड आपको क्या करना, आप जिन व्हाइट कैनवस को लिए थे इसको आपने रिप्लेस करना है अपने बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। चलिए हम इसे बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। बैकग्राउंड को व्हाइट कैनवस से रिप्लेस करने के साथ आपको यहाँ पर करना क्या, जो आपने डाउनलोड किया था उसको वहाँ पर नॉर्मल सा डिलीट करना। तो चलिए इसे हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मल से यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर अपने हाथ से नहीं हैंड करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है एंड इसको फुल कर देना ताकि कोई आप लोग अलाइनमेंट में गलती करना बैठे हो, ठीक है। इसको इस प्रकार से कर देना एंड आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल सा सेंड बैकवर्ड कर देना है यहाँ पर जाके, ठीक है। सेंड बैकवर्ड कर देना एंड आपको क्या करना, क्या नॉर्मल से यहाँ पर ब्लेंडिंग पे जाना है। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद आपको इसको मल्टीपल कर देना, मल्टीपल जैसे आप लोग करोगे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर शेडो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एड हो जाएगा, ठीक है। एक ले लेना एंड इस प्रकार से आप लोग क्या करना, इसको भी स्प्लिट स्क्रीन करना एंड इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको क्या करना, नॉर्मल से इसको भी सेंड बैकवर्ड कर देना, सेंड बैकवर्ड कर देंगे एंड आपको क्या करना, इसको यहाँ पर फिर से इसको ब्लेंडिंग में चले जाना है। आपको इस प्रकार से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हमारा जो आउटपुट इस प्रकार से निकल के आ चुका है। हमने पहले पॉइंट को कवर कर लिया है लेकिन दूसरा पॉइंट हमारा है कि इस प्रकार का हेडिंग किस प्रकार से ऐड किया जाए। तो हेडिंग ऐड करने के लिए आपको क्या करना, लेयर पे क्लिक करना। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिखता होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना एंड आपको जो भी लिखना चाहते हैं वहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना, आपको इसको चेंज करना फॉन्ट को। फॉन्ट को चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर इस पर फॉन्ट पे क्लिक करना एंड इसको बोल्ड कलर देना है, ठीक है। बोल्ड कर देना एंड इसको अपने हिसाब से इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा। ऐसे एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना, इसको सेंड बैकवर्ड कर देना। सेंड बैकवर्ड करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से कर देना एंड इसका कॉपी कर देना, डुप्लीकेट मतलब कर देना, ठीक है। चलिए इसको डुप्लीकेट कर देते हैं एंड इसको भी सेंड बैकवर्ड हम लोग कर देंगे नॉर्मल से, ठीक है। सेंड बैकवर्ड कर देंगे एंड यहाँ पर इसको क्या करना, एक को अलग कलर करना है, मतलब जो ऊपर का साइड है उसको हम लोग कलर करना। तो कलर पे क्लिक करना एंड आप लोग इसको इसे एडजस्ट कर लेंगे, जो हमारा ये कलर इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा लोग एडजस्ट कर रहे हैं एंड आपको क्या करना है, इसको पूरा बड़ा कर देना है। अब ये नॉर्मल से इस प्रकार से बस हेडिंग दिख रहा है लेकिन इसको और प्रोफेशनल बनाने के लिए आपको क्या करना, अपने टेक्स्ट को लिखा उसको बीच से कट करना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग दोनों को बीच से कट कर देंगे, ठीक है। इसको करने के बाद आपको क्या करना, जो आपने लेफ्ट साइड कट किया उसको नॉर्मल से इस प्रकार से क्लिक करना एंड आपको क्या करना, बीच वाले पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा फ्लिकर, फ्लिकर पे दोनों को ऊपर वाले को भी कर देना एंड नीचे वालों को फ्लिकर कर देना, ठीक है। और ये आउटपुट कुछ इस प्रकार से निकल के आ गया है।
हमने तीन पॉइंट्स को क्लियर कर दिया। अब हमारा चौथा पॉइंट है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, वो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को ऐड कर लेना है, यहाँ पर जो पार्ट को आप दिखाने चाहते उस पार्ट को यहाँ पर इस प्रकार से बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब बड़ा करने के बाद इसको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहीं से आपको ट्रांजेक्शन ऐड करना है। ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आप लोगों को लेयर पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक कर लेना है, ठीक है सर, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको अपने हिसाब से इसको बड़ा कर देना, ठीक है, इसको इस प्रकार से बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हम चलिए इसे बड़ा कर देते हैं, हमारा ये बड़ा हो चुका है। एंड इसको क्या करना है, इसको नॉर्मल सा ब्लेंडिंग पे चले जाना है। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल सा आपको इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन आपको कर दोगे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से। यहाँ पर इसको हम लोग चलिए कट कर दे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर लिया। एंड आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो ट्रांजेक्शन ऐड करने के बाद हमारा कुछ और इस प्रकार से आउटपुट निकल कर आ चुका था, इसलिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं एंड आपको इसका आउटपुट दिखाते हैं। अगर आपने ध्रुव राठी की वीडियोस को देखा होगा तो उसके बैकग्राउंड में ग्लिच इफेक्ट होता है, तो इसे किस प्रकार से लाना चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको पहले बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है एंड इफेक्ट्स पे चले जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर घर का ऑप्शन दिखता हुआ, यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च मारना प्रिज्मेटिक, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सर्च मारना प्रिज्मेटिक, ठीक है, यहाँ पर ना एंड इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखें, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्लाइड पर इसको ऐड करना है। स्लाइड को ऐड करने के बाद इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से अपने बैकग्राउंड पे ऐड कर लेना, इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड आपको क्या करना है, सेटिंग पे चले जाना है। एंड इसको क्या करना है, आपको सबको जीरो कर देना है। एंड आपको यहाँ पर इसको स्पीड को यहाँ पर 4 रखना, ठीक है, इसको जो आपका स्पीड है इसको नॉर्मल से यहाँ पर 4 रखना, ठीक है, ये हो गया। एंड आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना, जो आपका वीडियो, ठीक है, इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हमारा ऐड हो चुका, ठीक है। आपको अब आपको क्या करना है, नॉर्मल से फिर से लेयर पे जाना है एंड इफेक्ट पे जाना है। एंड जो आपने प्रिज्मेटिक डाउनलोड किया है उस प्रिज्मेटिक को ले लेना एंड इसको इस प्रकार से एड करना। एज करने के बाद आपको क्या, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा अपने बैकग्राउंड में। इसे भी इस प्रकार से चलिए हम लोग एड कर लेते हैं। ये हमारा एड हो चुका है। एंड आपको क्या करना है, आपको इस सेटिंग पे जाना है एंड इसको क्या करना है, इसको स्ट्रेट को 0 कर देना है। एंड हम यहाँ पर क्वालिटी को भी 1 कर देना है, स्ट्रेच को 1 कर देना, ठीक है, दोनों को 1 कर देना है। एंड यहाँ पर ओपेसिटी को पूरा मतलब 20 कर देना है, ओपेसिटी को लगभग मतलब 20-30-15 जितना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं उतना कर देगा, ठीक है। एंड जो हमारा आउटपुट है इस प्रकार से निकल कर आ चुका है, देख सकते हैं। अब आता है सबसे मेन पॉइंट, आर्टिकल हाइलाइटिंग, जो कि आप इसमें बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। आपको क्या करना है, जो आप लोग आर्टिकल को हाइलाइट कर देते हैं उस आर्टिकल को यहाँ पर आप लोग को क्रोम पे आ जाना एंड इसको कॉपी कर लेना। इस प्रकार से हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको पिक्सल ले पे आना एंड इमेज साइज पे क्लिक करने के बाद आपको नॉर्मल से यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना, 9:62 रेशियो पे क्लिक करना है, यहाँ पर ओके कर देंगे। एंड इसको क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देंगे। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखता है प्लस आइकन, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको यहाँ पर दो बार क्लिक करना है एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना, इसको यहाँ पर कॉपी कर देना, जो आपने यहाँ पर कॉपी किया था इसको यहाँ पर नॉर्मल सा पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हमने इस प्रकार से पेस्ट करना है, इसको ओके कर देंगे, इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे आप लोग यहाँ पर एडजस्ट क्लिक करना है, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर एड करना है, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। एंड आपको यहाँ पर करना कि आपको नॉर्मल से इसको कलर कर देना, कलर करने के लिए आपको इसको नॉर्मल से यहाँ पर कलर का ऑप्शन दिखता होगा, कलर पर क्लिक करेंगे एंड इसको ब्लैक कर देंगे, ठीक है, ब्लैक कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ब्लैक हो चुका है, ठीक है, इसको ब्लैक हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्मल से इस पर क्लिक करना है एंड सेव एज इमेज पे क्लिक कर देगा। एंड यहाँ पर आप लोग क्या करना है, यहाँ पर सेव टू गैलरी इस पर क्लिक कर दो तो ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर कोई से भी बैकग्राउंड को ऐड कर लेना, तो यहाँ पर हम लोग डार्क वाला ऐड करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से हमने ऐड कर लिया, ठीक है। इसको कहते हैं यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करें। मीडिया पे आपने जो आप लोग को कॉपी किया था इसको हमने इस प्रकार से ऐड करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। जिसका भी आपने यहाँ पर कोस्ट को कॉपी किया उसका फोटो चाहिए, तो फोटो के लिए क्या करना है, आपको नॉर्मल से यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन चाहिए इमेज सर्च, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप लोग को जिसका भी फोटो चाहिए उसको यहाँ पर PNG सर्च मारना। यहाँ पर हम लोग चलिए सर्च मार लेते हैं एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क कैरेक्टर को ले रहे हैं, जो कैरेक्टर को आपने यहाँ पर रखना चाहते हो, ठीक है, इसको अपने हिसाब से इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, इसको सेंड बैक वेट करना है, यहाँ पर आपको करना सेंड बैक वेट करना, ताकि आपका जो जो आपने ऐड किया है ये आपका फ्रंट में आ चुका है, ठीक है, ये आपने इस प्रकार से ऐड कर लिया। एंड आपको क्या करना, अपने कैरेक्टर को हल्का सा व्हाइट कर देना, यहाँ पर आप लोग एडजस्ट पे क्लिक करना है एंड आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट, यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है एंड आपको मीडिया पे क्लिक करना है एंड जो आपने इमेज पहले लिया था उसको फिर से वापस यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल से इसका ओपेसिटी को कम कर देना, ताकि जो हमारा कैरेक्टर वो इनविजिबल हो सके, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड आपको क्या करना, आपको इसको क्या करना, सेंड बैकवेट कर देना, आप लोग यहाँ इस प्रकार से सेंड बैकवेट कर देगा। सेंड बैकवेट आप लोग जिसे कर देगा तो हमारा जो कैरेक्टर है वो इनविजिबल हो जाएगा एंड जो हमारा फ्रंट लाइन है वो हमारा इस प्रकार से दिखने लगेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, नॉर्मल से जो आपने कलर दिया था उसको यहाँ पर ट्रांजिशन में जाने के बाद यहाँ पर इन एनिमेशन पर जाना एंड इसको फीड
का ऑप्शन दे देना, ठीक है। जो आपका पीड है इसको आपको 0.5 के अंदर लगभग, ठीक है, हमारा क्रिएटर इसको लेट एंटर कराना है। यहाँ पर क्या करना, इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पर स्लाइड राइट पे क्लिक करते हैं, या आप लोग स्लाइड लेफ्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, और इसको 0.5 अब इस प्रकार से कर दोगे ताकि जो हमारा करेक्टर हो हमारा डेट से एंट्री हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना, लाइन को हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए आपको क्या करना, नॉर्मल से लेयर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको ड्रॉ की जगह स्क्वायर को यहाँ पर इस प्रकार से चूज कर लेना है एंड आपको इस प्रकार से एडजस्ट करना है एंड अपने हिसाब से यहाँ पर इसको बढ़ा लेंगे, ठीक है। एंड इस प्रकार से अपने हाईलाइट को इस प्रकार से हाईलाइट करना, ठीक है। ये हमारा इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा एंड इस प्रकार से आपको हाईलाइट कीजिएगा एंड क्या करना, आपको इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करना, जिसका हाईलाइट करना चाहते हैं उस प्रकार से आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। हमारा करना है आपको यहाँ पर इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। इन एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, वाइड राइट पे इस प्रकार से क्लिक करना है एंड आपको क्या करना है, इसके ओपेसिटी को जो आपने यहाँ पर ऐड किया था इसको ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देंगे। इस प्रकार से आपने ओपेसिटी को कम कर देना है एंड आपको क्या करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है एंड इस प्रकार से आपका हो जाएगा एंड आपका जो हमारा आउटपुट है इस प्रकार से निकल जाएगा एंड आप लोग यहाँ पर मल्टीपल आप लोग ऐड कर सकते हो, जितना भी आप लोग ऐड कर लेते हो। हमने एक ये ऐड किया आपको दिखाने के लिए ताकि आप लोग समझ सको। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव सीख लिया, हेडिंग बिहाइंड सीख लिया, शेडो इफेक्ट सीख लिया, लाइट ट्रांजिशन सीख लिया एंड आर्टिकल हाइलाइटिंग सीख लिया। लेकिन जो ध्रुवराज की वीडियो से सबसे इंगेजिंग बनाते हैं उसका मैप एनिमेशन आप लोग करें कि आपको क्या करना है, मतलब प्ले स्टोर पर जाना एंड ट्रेवल बूस्ट को सर्च मारना एंड इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड इसको डाउनलोड करने के बाद आपको नॉर्मल से इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, तो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट देखता होगा। स्टार्ट पॉइंट हम लोग चले यहाँ पर डाल देते हैं लंदन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलिए लंदन डाल दिया एंड यहाँ पर डिस्ट यहाँ पर इस पर सेकंड वाला हम डाल देंगे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर डाल दिया एंड आपको क्या करना है, आपको हल्का जूम आउट करना, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो कौन साइड से हमारा मतलब लोकेशन मतलब कौन साइड से वो राउंड करके आएगा, तो यहाँ पर इसको प्रेस करके इस साइड कर देंगे तो हमारे इस साइड से प्रेस होकर आएगा एंड आपको क्या करना, आपको जो यहाँ पर गाड़ी का ऑप्शन दिखता होगा इस पर प्रेस करके रखना एंड यहाँ पर आपको चूज कर देगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेन वाले कोई सा प्लेन चूज कर देगा, ठीक है। ये हमारा प्लेन चूज हो गया एंड आपको क्या करना, यहाँ पर प्ले वाला ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पर प्ले वाला क्लिक करके एंड आपको यहाँ पर 16:9 पे क्लिक कर देना रेशियो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर दोगे एंड यहाँ पर इस प्रकार से आपका यहाँ पर स्पीड हो जाएगा। अगर आप लोग जैसे चाहो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं एंड यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा एंड आपको क्या करना, आपको नॉर्मल से यहाँ पर सेव वीडियो टू कैमरा रोल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एंड आप ये आपका वीडियो है वो आपका PNG आपका वीडियो में डाउनलोड हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना, नॉर्मल से आपको अपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है एंड उसको आपको वहाँ पर ले लेना है। लेयर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से जो हमने डाउनलोड किया था इसको यहाँ पर मूव कर लेंगे एंड इसे यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं एंड यहाँ हमारा ऑटोमेटिकली यह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग ये कट कर देंगे एंड यहाँ पर हमारा आ चुका है। इसको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना, जो हमारा वाटर मार्क दिख रहा है उसको हटाने लगे इस प्रकार से फुल करना एंड इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसको कलर को चेंज करके यहाँ पर क्या कर, फिल्टर का ऑप्शन दिखता होगा, फिल्टर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बेसिक पे, तो यहाँ पर बेसिक पे इसको 33 कर देंगे एंड यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ऑटोमेटिकली कलर हो जाएगा, ठीक। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इतने, ठीक है। अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करके देखना है जो कि ताकि जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो बीच में ना आ सके, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन के साथ ही ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर एड हो जाए, तो यहाँ पर इस जो कि ट्रांजेक्शन हमारा बीच में वो गड़बड़ी ना कर सके, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे हमारा ये ऑटोमेटिकली आ गया एंड जो हमारा आउटपुट है कुछ इस प्रकार से निकल के आ चुका है जो देख सकते हैं। यदि आप ध्रुव राठी के वीडियो डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा जो ध्रुव राठी है वो अपने मेक में कलर को एड करता है। तो कलर को एड करने के लिए आपको नॉर्मल सा करना क्या है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम ट्रू वर्ल्ड मैप्स है। इसके लिए हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको नॉर्मल से ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा एंड आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको जिस भी पॉइंट को हाईलाइट करना है उस पर आप लोग लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड जिस भी पार्ट पे आप लोग लॉन्ग प्रेस करोगे इस प्रकार से आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा एंड आपको इसको यहाँ पर इसको इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर सेटेलाइट पे क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली पूरा गजब कर देगा, ठीक है। आप लोग ऐसा कहो तो आप लोग कहीं भी हाईलाइट इस प्रकार से कर सकते हैं एंड जो आपका हाईलाइट पार्ट इसको आप लोग इधर से इधर किसी भी जगह शिफ्ट कर सकते हो। आप लोग इस प्रकार से इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो एंड आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीन वीडियो बना सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से जो भी पार्ट आप लोगों को हाईलाइट करना है उस पार्ट को इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना, तो यहाँ ऑटोमेटिकली देख सकते हैं हमारा ये लॉन्ग प्रेस होने के बाद आपको ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दे रहा है, ठीक है। आप लोग इसको अपनी वीडियो पे यूज़ कर सकते हो। तो वैसे आप लोग इस प्रकार से आप किसी भी मैप का हाईलाइटिंग कर सकते हो एंड इस प्रकार से हाईलाइट करने के बाद आप अपने वीडियो से यूज़ कर सकते हो।
आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार का वीडियोस अपलोड कीजिए। यदि दुर्वाटी सॉरी इफेक्ट को चाहिए साउंड इफेक्ट को, तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।